हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड की भाग प्रविधि के विषय में सीखने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 2 नंबर के छोटे प्रश्न और 2 नंबर के बड़े प्रश्न, या फिर 1 नंबर की खाली जगह और 3 नंबर के बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यूक्लिड के विषय में देखें कि यूक्लिड वह ग्रीक देश का रहने वाला मैथमेटिशियन गणित शास्त्री था, जो कि फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री यानी भूमिति का पितामह कहते हैं यूक्लिड को, और उसे यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया इस नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने गणित में 13 एलिमेंट इस प्रकार की पुस्तक लिखी, जिसमें से 7वें एलिमेंट में उन्होंने अपने इस यूक्लिड भाग प्रविधि के विषय में बताया है। अब अपन ये देखेंगे कि यूक्लिड की भाग प्रविधि क्या है। जैसे एक उदाहरण लें कि 7/3, इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास 7 चॉकलेट हैं और इन 7 चॉकलेट को हम 3 बॉक्स में डालना चाहते हैं। तो एक बॉक्स में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, और इसके बाद एक जो चॉकलेट है वो शेष बचेगी। उसी को यहाँ इस तरह से कर सकते हैं कि 7 / 3, तो 3 × 6, और इस तरह से एक जो है वो शेष रही। अब आपको ये बता दें कि इसे हम कहते हैं भाजक, भाज्य 7, भजनफल 2, और एक जो है वो शेष। फिर से देखेंगे, 3 भाजक, 7 भाज्य, 2 भजनफल और एक जो है वो शेष। इंग्लिश में अगर इसे नाम दें तो 2 जो है वो भाग फल है, यानी क्वेसेंट क्यू के द्वारा दर्शाएंगे क्यू। 1 जो है वो शेष, इंग्लिश में नाम है रिमाइंडर, इसलिए उसको आर के द्वारा दर्शाएंगे। ए जो है भाज्य है और बी जो है भाजक है, ए और बी। अगर इसे हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे कि 3 × 2 = 1 = 7। ये हम देख सकते हैं कि 7 = 3 × 2 + 1। इसको यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार अगर लिखना चाहे तो 7 = a = 7 = b = 3, क्यू जो 2 है हमारे पास, और +r = 1। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को हम इस स्वरूप में दर्शा सकते हैं a = bq + r, जहां पर r की जो कीमत है शेष की वह 0 से बड़ी होगी अथवा 0 होगी, लेकिन इस भाजक 3 से छोटी होगी। तो अगर उसे हम संकेत में लिखना चाहें तो कैसे, इस तरह से 0> (r) = b, ये उसकी शर्त है। यूक्लिड की भाग प्रविधि की शर्त 0> (r) = b का अर्थ है कि शेषफल 0 अथवा उससे बड़ा लेकिन भाजक से कम होगा, b से कम होगा। तो इस प्रकार a = bq + r, इसे हम यूक्लिड का भाग प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड के भाग प्रमेय के लिए इस तरह से है कि a तथा b दो धन संख्याओं के लिए दो धन संख्याएं q तथा r इस प्रकार मिले कि जिससे a = bq + r शर्त का पालन होता हो, उसे हम यूक्लिड की भाग प्रविधि कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें ये एक चीज देखी जाए कि
हम ये एक चीज देख लें कि एक सौ पच्चीस और पैतालीस का मसा ज्ञात करना है। इस यूक्लिड की भाग प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उपयोग दिए गए दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का लसा तथा मसा ज्ञात करने में किया जाता है। लसा का मतलब है लघुत्तम समाप अवयव और मसा का मतलब है महत्तम समाप अवयव। मसा अ एच सी एफ एंड एल सी एम हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एल सी एम का पूरा फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। तो अगर हम इस 145 को भाग देते हैं 145 भागाकार 45, तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम तीन से गुणा करें 45 में, तीन पच्चे 15 की 5 हासिल, एक चार ती 12 और एक 13, 100 ज़्यादा होता है इसलिए दो बार भाग गया। तो 45 दूनी 90 घटा देंगे, इधर 5 इसमें से इसको घटाएंगे तो 3। इस प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे, 45 को हम अंदर ले लेंगे, 35 एकम 35 10 बची, इसके बाद 35 को अंदर लेंगे 10 तीया 30 5 आ गया, 5 10 को अंदर लेंगे तो 5 दूनी 10। और इस प्रकार अगर इसे यूक्लिड की भाग प्रवृत्ति के द्वारा लिखा जाए, दर्शाया जाए, तो हम इस तरह से इसे दर्शा सकते हैं कि 125 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 35। सी दिस, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां